epoxy time. Write the names of the boards. Pictures already given here. And we have to write the proper name of these boards. Which picture is this? Submarine. This is submarine. We have to write the spelling of submarine. S-U-B-M-A-R-I-N-E. Submarine. Next is pedal boat. Pedal boat. P-E-D-A-L B-O-A-T boat. Pedal boat. This is speed boat. Speed boat. S-P-E-E-D speed. B-O-A-T boat. This is raft. R-A-F-T raft. Cargo ship. This is the spelling of cargo ship. C-A-R-G-O cargo. S-H-I-P ship. Cargo ship. This is houseboat. This is the spelling of houseboat. H-O-U-S-E house. B-O-A-T boat. House boat. Repeat with me. Submarine. Pedal boat. Speed boat. Raft. Cargo ship. House boat. Trace and write the number names. We have to trace the number names and we will write here. Which number is this? 6. Spelling is S-I-X 6. First we will trace here and write here S-I-X 6. S-E-V-E-N 7. S-E-V-E-N 7. E-I-G-H-T 8. E-I-G-H-T 8. N-I-N-E 9. N-I-N-E 9. T-E-N 10. T-E-N 10. This way we have to complete these number names. Kids, it's a concept time. Today's our concept is about water transport. In water transport, this is houseboat. This is houseboat. A houseboat is like a boat. ये houseboat है वो boat के जैसी है but it has all the facilities that does a house. ये boat ऐसी boat है कि जिसमें सब facilities house के जितनी होती है. हमारे house में कितनी facilities होती है वैसी इसमें सब facilities होती है. Okay? It floats in water. It floats on वाटर. ये पानी के ऊपर रहता है ना. पानी के ऊपर हाउस बोट रहती है. पानी के ऊपर वो तैरती है. दे ऑल्सो हेल्प यू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस थ्रू द वाटर. ये हमें वन प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाने में भी हेल्पफुल होती है. इन इंडिया वी कैन सी हाउस बोट्स इन कश्मीर एंड केरला. ऐसी हाउस बोट्स है वो हम ज्यादातर इंडिया में कहाँ पर देख सकते हैं? इन कश्मीर एंड इन केरला है ना. नेक्स्ट इज कार्गो शिप. दिस वन इज कार्गो शिप. कार्गो शिप्स आर ह्यूज शिप्स.
that carry goods and materials from one place to another place. ये कार्गो शिप है, इसमें हम कितना सारा मटेरियल लेकर एक जगह से हम दूसरी जगह पर पहुंचा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सम फ्रूट्स वी ईट डोंट ग्रो इन इंडिया, सो दे आर ब्रॉट फ्रॉम हियर फ्रॉम अदर कंट्रीज वेयर दे आर ग्रोन इन दिस कार्गो शिप्स. कई फ्रूट्स ऐसे होते हैं कि जो हम यहाँ पर नहीं, हमारे इंडिया में वो ग्रो नहीं होता, वो कोल्ड एरिया में, आइस वाले एरिया में ग्रो होता है. तो वो फ्रूट्स हम ये कार्गो शिप के जरिए वहाँ से हम मंगवा सकते हैं और इंडिया की जो प्रोडक्ट होती है वो वहाँ पर भेज सकते हैं, है ना. वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह पर हम मटेरियल भेज सकते हैं. दिस इज अ कार्गो शिप. नेक्स्ट इज राफ्ट. राफ्ट्स आर स्मॉल बोट्स. राफ्ट्स आर स्मॉल बोट्स आर यूज्ड इन फ्लोइंग वाटर वेयर देर आर मेनी रॉक्स. बिग बोट्स कांट थ्रू द रॉकी वाटर. ये बोट्स कहाँ चलती है पता है? ये ना इतनी छोटी बोट है ना, यू कैन सी दिस, आप यहाँ पर देख सकते हो कितनी छोटी बोट है. पर जहाँ पर वो ज्यादातर स्टोन्स होते हैं ना, बिग बिग स्टोन्स, रॉक्स होते हैं, रॉक्स वाले एरिया में ये ज्यादातर राफ्ट चलते हैं कि वहां पर बोट्स नहीं जा सकती, इसलिए ये राफ्ट का यूज होता है. पीपल ऑल्सो यूज राफ्ट इन वॉटर स्पॉर्ट्स. दे एंजॉय राफ्टिंग इन ग्रुप्स. पीपल होते हैं ना, कई लोग ये वॉटर स्पॉर्ट्स के लिए भी राफ्ट का यूज कर रहे होते हैं. आपने देखा है ना ये तो. यस. नेक्स्ट इज सबमरीन. नेक्स्ट इज सबमरीन. सबमरीन्स आर ह्यूज शिप्स दैट कैन गो अंडर वाटर. ये जो है ना सबमरीन, वो ह्यूज शिप्स है ना. ह्यूज शिप, कितनी बड़ी शिप होती है. इट गोज अंडर वाटर, बट ये वाटर के इनसाइड होती है. यू कैन सी हियर, देखो ऊपर भी पानी है, नीचे भी पानी है ना. ये पानी के इनसाइड रहती है, ये वाटर के इनसाइड रहती है. दीज शिप्स आर मोस्टली यूज्ड एज वॉरशिप्स. कहीं पर युद्ध होते हैं ना, वहां पर ये इतनी बड़ी शिप्स का यूज करते हैं. Since they can travel underwater, they are not seen. वो पानी के इनसाइड रहकर एक दूसरे कंट्री के ऊपर वो अटैक करते हैं, है ना. Submarines are also used to study about marine life, that is to say marine animals and plants in the water. Already ये ships जो होती है, ये शिप का यूज अंडर वाटर में जो एनिमल्स होते हैं, जो मरीन एनिमल्स, प्लांट्स, उसका स्टडी करने के लिए ये शिप्स यूज होती है. ओके.